अरे दोस्तों, आइए हम लोग कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और ये हमारा वीकली एनालिसिस होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पस के लिए, जिसमें आप लर्न कर सकते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं। और मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो पैसा पहले इंश्योर कर लो कि डूब सकता है, क्योंकि अगर आपने सीख के नहीं पैसा उसमें डाला तो ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपका पैसा डूब जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो बाकी आपको पता ही है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना चाहिए, नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है सो आप सीख के जाना इस वीडियो से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है, और मैंने जो भी लेवल लगाया है आप देख लो, पिछला जहां पर भी मैंने लेवल लगा के रखा है ऑलमोस्ट सारे लेवल हिट हुए हैं, ठीक है। किसी भी दिन के आप पकड़ के देखना, बशर्ते मार्केट को एक प्राइस एक्शन के साथ चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखो एक ये हाई लगा मार्केट में, अगेन एक ये लो लगा, फिर मार्केट ने एक बड़ा हाई लगाया, फिर अब यहाँ पे ये सीधे तुरंत नीचे गैप डाउन, यहां से सीधे गैप डाउन आ गया मार्केट और यहाँ नीचे तक भी गया, इस लो को भी ब्रिज किया है लेकिन सस्टेन नहीं किया, मार्केट आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन को मार्केट अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा, फिर मार्केट में एक हाई लगता है जो इस हाई के ऊपर है, प्राइजेक्शन नहीं कहता है, फिर मार्केट नीचे आता है और यहां से एक हाई लगता है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया है। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या है, तो अगर आप कहोगे कि यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये भाई ऊपर जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटीज बनती है, या दूसरी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ओरिजिनल ट्रेंड लाइन तो ये है, तो मार्केट यहां सपोर्ट नहीं लेता है तो आपको यहां सपोर्ट ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो अब आपके लिए, क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में साइकोलॉजिकल, ऊपर में हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है हमारे लिए, तो हम फिब रिट्रेसमेंट से ये लेवल निकाल के लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लगा रहे हैं लेवल 655 से 666 के बीच का लेवल, ठीक है। उसके बाद में हम लगा दे रहे हैं 700 से लेकर के 722 का या 711 का टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम लगा दे रहे हैं 755 से 766 का लेवल, ओके। और उसके ऊपर हम लगा देंगे 859 से लेकर के 850 का लेवल, ये अपर साइड का लेवल है, ये सिंपल है, इसमें कुछ कोई लॉजिक तो है नहीं ना, सिंपल है, आपको एक टूल है, ये हाई से इस लो को मार्क कर दोगे आपका वो सारा लेवल आ जाएगा और आप उसको प्लॉट कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं कि या तो आप ट्रेंड लाइन को देखो, आप मार्केट में काम कर रहे हो तो क्लियर कर लो कि आपको किस पे काम करना है, आपको फिब के लेवल पे काम करना है, आपको ट्रेंड लाइन पे काम करना है, या आपको इंडिकेटर पे काम करना है, किसी एक चीज पे। बहुत ज्यादा अप डाउन इधर उधर करोगे पैसा जीवन में सत्य जन्म में नहीं बनने वाला है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में आप किस पे काम करना चाहते हो। अगर आप उस पे अडिक हो तो पैसा बन जाएगा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे बात ऐसी आती है कि लोग फेल क्यों होते हैं, उसका लॉजिक है। जनरली क्या होता है कि मान लो कि यह एक ट्रेंड लाइन है, यह एक ट्रेंड लाइन है। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ये नीचे से ऊपर गया, ये नीचे आया और मार्केट ने क्लोजिंग यहां दिया है या यहां दिया है, तो ये फिक्स हो जाता है कि दूसरे दिन, क्योंकि एक ये साइकिल कंप्लीट हो गया, ये ऊपर जा रहा था, तो ये साइकिल पहले कंप्लीट होगा तो मार्केट ओपनिंग यहां देगा। मतलब यहां से ये मार्केट पकड़ के चलो कि यहां से ये ओपनिंग ये दिया, साइकिल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद तो सेलिंग आनी है ना मार्केट में, तो आएगी ना, अब फिर ये यहां से निकलेगा। तो अब इस चीज को आप पकड़ नहीं पाते हो, इसलिए आप फंस जाते हो। जैसे देखो आप ये साइकिल, ये नीचे से ये यहां क्लोज दिया है, ये 315 की कैंडल है और यहां से सेलिंग तो आनी ही है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो नीचे ही तो आएगा भाई, आप नहीं समझते हो, इसलिए आपका पैसा लूज हो रहा है इस मार्केट में और लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बेहुदा बना रहे हैं, समझ लो आप बात को, नहीं तो पैसा नहीं बनने वाला इस मार्केट में, समझ में आया। तो इसलिए जो है सो यहां से सेलिंग है, इसलिए आपको शॉर्ट करना चाहिए, इस लेवल पे आपको बाई नहीं करना चाहिए इसको देख करके। अब जैसे मान लो कि यहां पे ओपन हुआ तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, ये नीचे से जो यहाँ पे ये इसके हाई के ऊपर है ना, तो अब यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर इस ट्रेंड लाइन तक लेके आने की कोशिश करेगा, तो आप समझते नहीं हो, आप घुस जाते हो, नुकसान कर लेते हो। अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ये नीचे साइड में है, तो नीचे साइड में है तो इसको यहां तक है, यहां तक आने की जगह तो अभी भी बचा है, तो गैप डाउन होगा तो सीधे बाइंग होकर इस लेवल को ऊपर निकाल देगा, गैप अप होगा तो
अब यहाँ पे तो अब यही हमारे लिए लोग का काम करेगा और एक नया साइकिल बन गया गैप अप यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर बाइक करोगे ना आप। ये प्राइज एक्शन है, बहुत प्यारा है, आप समझने की कोशिश करोगे तो, नहीं तो गए काम से। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया है कि ये प्राइज एक्शन में हमारे पास में अभी ये बीच में रोक दिया है, तो हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ पे आए, अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ से बाई करके चलेंगे, गैप अप होगा तो यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, फिर हम बाई करेंगे, फिर ये ट्रेल लाइन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। अगर ये ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये है, सिंपल, कोई इशू। चलो आइए हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं। ये ऑल टाइम हाई लगाया है और इधर जो है ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो ये एक समस्या है, मतलब कि दो इंडेक्स है और साथ में नहीं चल रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या है ना। अब चलो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे लिए लेवल क्लियर है। अब हम लोग इसको निकाल देंगे और इसको भी निकाल देंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। एक चीज को अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो मुझे जो समझ में आ रही है कि मार्केट में हमारे पास ये जो लेवल है, ये वाला एक ये ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, और दूसरा एक हमारे पास ट्रेंड लाइन, बढ़िया से वो ट्रेंड लाइन बन नहीं रहा है इसलिए उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जैसे एक ये ट्रेन लाइन है, लेकिन ये ट्रेन लाइन को मान के अगर हम चलते हैं थोड़ा देर के लिए, कभी कभार ऐसा होता है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये मार्केट इस ट्रेन लाइन से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आया है। तो अगर आप साइकिल देखिएगा तो ये साइकिल यहां से फिर ये नीचे आता है, ये फिर ये गया और फिर ये नीचे आ गया, तो अब हमारे लिए या तो ऊपर जाता है तो ये ट्रेन लाइन तक का टारगेट रख के चलेंगे, ओपनिंग पे डिपेंड करता है। ओपनिंग अगर इसके नीचे हो गया, इधर कहीं हो गया, तो फिर ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रहेगा, और इधर कहीं हुआ या गैप अप यहाँ पे हो गया तो फिर यहाँ का टारगेट और फिर बाउंस करके इसके ऊपर, सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है, बाकी आप देख लो। तो यहाँ पे ये है कि इसमें जो साइकिल चल रहा है उस हिसाब से हमारे पास में अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होता तो बाई करके हम इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, गैप अप अगर यहाँ पे होता इसको ब्रेकआउट कर दिया, गैप अप हो गया इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इधर सस्टेन करके निकलने लगा, तो भाई ऊपर का टारगेट हमारे पास पड़ा हुआ है, स्पष्ट पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यहां से अगर हम फिर लगाते हैं इस लो को, तो हमारे पास में जो ऊपर साइड के लेवल है वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं और काफी बड़े बड़े लेवल है इसमें, है भी अभी टारगेट है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तो एक दिन में मूव कर जाते हैं, तो इसके लिए उतना बड़ा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए उतना सोचने वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए जो टारगेट हमारे पास में है कि अगर हम इस हाई से इस लो को मार्क करते हैं तो आपके पास में एक टारगेट यहाँ का ये वाले जोन पकड़ के चलो आप, एक ये हो जाएगा और इस वाले को हम लोग हटा देते हैं, ये वाले को, ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में ये वाला रहेगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला रहेगा। चलो तो ये सारा चीज अपन ने लेवल्स लगा दिए मार्केट में, कोई इशू नहीं है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वाले को निकाल देते हैं, ऊपर वाले टारगेट को अपन लेके चलेंगे और नीचे साइड में, हाँ ये वाला सही है, यहाँ पे एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और इसको भी आप निकाल दो, ठीक है, ये वाले हमारे ऊपर साइड के सारे टारगेट है। अब मार्केट गैप डाउन हो गया तो अपन बाई करके चलेंगे, गैप अप हो गया तो शॉर्ट करके चलेंगे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकल गया मार्केट तो समझ लीजिए कि मार्केट बुलिश हो जाएगा और ये सारे टारगेट हिट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लगा जाते हैं सेंसेक्स के लेवल पे, सेंसेक्स में हमारा क्या चल रहा है, तो जो निफ्टी में चल रहा है वही सेंसेक्स में चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास में इसके ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे और टारगेट ऊपर का, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो टारगेट ऊपर का क्या मिलेगा हमको वो एक बार हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारे पास में ये वाला रहेगा, ये 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो लेवल रहता है ऑलमोस्ट हिट होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया और फिर हमारे पास में ये हो गया, तो अपर साइड के टारगेट हो गया, लोअर साइड के तो आपको टारगेट सारे पता है क्योंकि ऑलरेडी वो सारा चीज लगा हुआ है। अब मार्केट जो है सो लेवल टू लेवल प्ले होता है, इसलिए नीचे साइड में अपने को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसको इस वाले लेवल को निकाल देते हैं, इस वाले लेवल को निकाल देते हैं और इस वाले लेवल को भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, और नीचे से इस वाले लेवल को हम निकाल लेते हैं, ओके।
इसको हम थोड़ा सा और सेटल डाउन कर देते हैं यहाँ तक के लिए, ओके। ये गैप अप गप डाउन से एक कैंडल से मतलब नहीं है, जहां पे मार्केट रुकता है वहां से मतलब रहता है। तो अब यहाँ पे है कि अगर ये मार्केट इधर कहीं मिल जाएगा तो बाई करके चलिए इस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए, और इधर कहीं मिल जाता है तो पहले शॉर्ट इस टारगेट के लिए, और नीचे आता है तो इस टारगेट के लिए, फिर मार्केट बाउंस होकर इसी में क्लोज हो जाएगा, ओके। अब आ जाइए फिर निफ्टी के लिए क्या है, तो फिर निफ्टी के लिए भी जो बैंक निफ्टी में है वही इसमें भी है कि हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है ये वाला, ये ओके। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये जो है कंसोलिडेशन जोन में है, तो थोड़ा सा ये अभी भी डाउट लग रहा है, मन में जो डाउट है वो क्लियर है। तो अब यहाँ पे नीचे साइड में जो हमारे पास लेवल है वो क्लियर है कि इसको यहां से हटा देते हैं हम, थोड़ा सा ये हट जाए, हाँ। तो इसको आप इसको निकाल दो, अब इस वाले लेवल को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब आपको इस ट्रेंड लाइन तक का, अगर नीचे ब्रेक कर देगा तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। और बाकी हमारे पास में जो ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप अप हो और फिर सीधे ये यहां तक आ जाए, अगर गैप अप हो और सीधे यहां तक आ जाए, या गैप डाउन हो या सीधे यहां तक जाए, एक बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मार्केट से रहेगा कल के दिन, ठीक है, या कल या ट्यूजडे के दिन। या अगर इस मार्केट को गैप अप होकर यहाँ पे सस्टेन करने लगा तो ये मार्केट जैसे सीधे ऊपर निकल जाएगा और अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता है मार्केट। ऊपर के लेवल हमारे सारे लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, और नीचे के भी सारे लेवल लगे हुए हैं। तो आपको लेवल टू लेवल प्ले भर करना है, इससे ज्यादा का दिमाग नहीं लगाना है, लेवल टू लेवल प्ले करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इधर उधर ज्यादा करेंगे तो लॉस ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा और फिर परेशान रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लेवल टू लेवल, जब लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो उसमें घुसना है, अब ब्रेकआउट हो गया तो उसमें घुसना है, ओके। तो ये एक मतलब बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है, सिंपल है, इसके ऊपर अपन बाई करके चलेंगे। और अगर यहाँ मिलता है और यहाँ से पहले सेलिंग आती है तो ये पहले टारगेट, उसके नीचे आता है तो ये टारगेट रहेगा, और इधर कहीं मिल जाता है या इधर कहीं मिल जाता है तो बाई करके चलिए इसके लिए, सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये वीडियो पसंद